ठीक, आवर फर्स्ट मशीन इज इन स्पेशल मशीन, आवर फर्स्ट मशीन इज एसी सीरीज मोटर, ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल मोटर। ठीक, एसी सीरीज मोटर, एक्चुअली ये सीरीज मोटर ही होता है, जैसा आप डीसी सीरीज मोटर पढ़े हुए हैं, एकदम सेम कंस्ट्रक्शन, सेम वर्किंग है इसका। बस उसी सीरीज मोटर को हम लोग डीसी की जगह एसी सप्लाई देंगे आप। डीसी सीरीज मोटर हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, डिजाइन कैसा होता है, इट इज हमारे पास मशीन का या मोटर का आर्मेचर, ठीक, और फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में। दिस इज आवर सीरीज मोटर आरएससी। पहले हमारे पास यहाँ पे डीसी सप्लाई हुआ करती थी, अब यहाँ पे हम इसको एसी सप्लाई देंगे। एक मिनट होल्ड करिए, स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, तो मैं एक मिनट में फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, हमारे पास सीरीज मोटर था, उस सीरीज मोटर को डीसी की जगह एसी सप्लाई दे दी है। फिर देखते इसमें क्या होता है, हमारे पास आर्मेचर करंट है, जो करंट सप्लाई अभी हम देंगे वो अल्टरनेटिंग होगा। करंट की सप्लाई कैसी है, अल्टरनेटिंग, उसी करंट से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्स भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करंट, यहाँ पे ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में फ्लक्स। चीज और हम लोग जानते हैं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आईए। डीसी मशीन में हमने इस इक्वेशन को पढ़ा हुआ है। देखिए, फर्स्ट हाफ साइकिल करंट पॉजिटिव, फ्लक्स पॉजिटिव, टॉर्क पॉजिटिव मिलेगा आपको। सेकेंड हाफ साइकिल में करंट भी नेगेटिव और फ्लक्स भी नेगेटिव, माइनस इनटू माइनस, इट विल बी अगेन फाई इनटू आईए, टॉर्क पॉजिटिव मिलेगा। टॉर्क कांस्टेंट नहीं है लेकिन सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम क्या करते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको नोट करते हुए, कि ये मशीन सेम सीरीज मशीन है जो डीसी सीरीज मशीन में हुआ करती थी, अब हमने इसको डीसी की जगह एसी सप्लाई दे दी है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपने हमने देखा उसके लिए नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हेन एसी सप्लाई इज गिवन टू टू डीसी सीरीज मोटर, इट डेवलप्स यूनिडायरेक्शनल टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन कभी रिवर्स नहीं होगा सप्लाई रिवर्स होने के बाद भी। ठीक, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क डेवलप करता है। सेकेंड, द टॉर्क फ्रीक्वेंसी, अगर आप यहां पे टॉर्क ड्रॉ करेंगे ना, टॉर्क ओमेगा टी के रिस्पेक्ट, टॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको डबल मिलेगी। टॉर्क फ्रीक्वेंसी इज डबल टू दैट ऑफ
सप्लाई फ्रीक्वेंसी, थर्ड ये मशीन तो चलेगा लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज मिलेंगे, सही। तो थर्ड पॉइंट से हम लोग इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि व्हेन एसी सप्लाई इज गिवन टू डीसी सीरीज मोटर, द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस आर प्रेजेंट। क्या क्या डिसएडवांटेज मिलेगा आपको? फॉलोइंग डिसएडवांटेज आर प्रेजेंट। सबसे पहले तो हम आप फ्लक्स, पहले हमारे पास जो हुआ करता था वो डीसी था, कांस्टेंट फ्लक्स था, अब भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स है। फ्लक्स कांस्टेंट होने से लॉसेस नहीं होते, आयरन लॉसेस। अगर आप अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोवाइड करेंगे तो लॉसेस बढ़ेंगे, पहला डिसएडवांटेज आपको यही मिलता है। कौन कौन से लॉसेस? अवर एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एफ। आपने डीसी की जगह एसी सप्लाई दी है तो आयरन लॉसेस आर इंक्रीज्ड, आयरन लॉसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, हमने आपको याद होगा इंडक्टेंस का इफेक्ट निगलेक्ट किया था, एक्सएल या एक्से आर्मेचर का जो रिएक्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू या इट इज इक्वल टू 2πfL, ठीक। अगर F की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रिएक्टेंस का इफेक्ट इंक्रीज होगा, रिएक्टेंस के इफेक्ट इंक्रीज होने से पावर फैक्टर जो मशीन का है वो घट जाता है ड्यू टू मोर इंडक्टिव इफेक्ट। पावर फैक्टर ऑफ द मशीन इज रिड्यूस्ड, ठीक। दूसरा, आप लॉसेस वगैरह बढ़े हैं तो मशीन की इफिशियंसी इज रिड्यूस्ड, ठीक। और दूसरा, आपका रिएक्टेंस बढ़ा है, करंट चेंज होने में दिक्कत होगी, मोर स्पार्किंग इज प्रेजेंट ऑन ब्रशेस, ठीक। यहां तक का आप जो अभी देखा है उसको रिवाइज कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है क्या? या जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनको कोई डाउट हो रहा हो तो वो पूछे, मैं कोई क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग सुन पा रहे हैं? सर ये हम लोग एसी सप्लाई क्यों दे रहे थे? यूनिवर्सल मोटर बनाने के लिए। यूनिवर्सल मोटर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है, ठीक। यूनिवर्सल मोटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट इज डीसी सीरीज मोटर, वो डीसी सीरीज मोटर ही होता है। अभी हमने ये देखा कि अगर डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आईए होता है, ठीक। फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट पॉजिटिव, फ्लक्स पॉजिटिव, टॉर्क पॉजिटिव मिलेगा। सेकंड हाफ साइकिल में फ्लक्स भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, अगेन माइनस इनटू माइनस प्लस, टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई देते हैं तो भी उसमें यूनिडायरेक्शनल टॉर्क डेवलप होगा और मशीन रोटेट करेगी, ये अभी तक हमने देखा। तो डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई दे करके भी चलाया जा सकता है, ये कंक्लूजन मिला है और इसको हम एसी सीरीज मोटर बोलते हैं। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है, पहला डिसएडवांटेज कि आयरन लॉसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा डिसएडवांटेज मशीन में रिएक्टेंस का इफेक्ट बढ़ जाता है फ्रीक्वेंसी के आने से और इसलिए उसका मशीन का पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। अब लॉसेस बढ़े हैं तो मशीन की एफिशिएंसी रिड्यूस होगी और रिएक्टेंस के इफेक्ट की वजह से मशीन पे जो ब्रशेस हैं, कम्यूटेटर पे ब्रशेस लगे हुए हैं, उन पे स्पार्किंग बढ़ जाती है, क्लियर?
सर वो हिस्टेरेसिस लॉसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपने क्या लिखा है अल्फा, अल्फा फ्रीक्वेंसी होगा ना। फिट किया है वो फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इस जो अभी डिसएडवांटेज मिल रहे हैं इसको थोड़ा सा हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। टू ओवरकम दीज डिसएडवांटेजेस फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस आर डन, क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि लॉसेस बढ़ जा रहे हैं, तो उसको पहले ओवरकम करते हैं, आयरन लॉसेस को ओवरकम करते हैं। ठीक, तो इसमें पहला मॉडिफिकेशन जो किया जाता है कि वहां पे डीसी सीरीज मशीन या डीसी मोटर कोर इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन और कास्ट स्टील, और वहां पे लेमिनेशन भी नहीं किया गया था कोर में, जबकि यहाँ पे आपको क्योंकि लॉसेस हो रहे हैं अब कोर को लेमिनेट करना पड़ेगा। पहला मॉडिफिकेशन इज कोर इज मेड अप ऑफ लो हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट मटेरियल एंड is also laminated, उसको लेमिनेट करते हैं। ठीक, अच्छा, जो लॉस है आयरन लॉस वो प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स भी होता है, तो आपको मशीन का फ्लक्स थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग are reduced and area of each pole is increased. जो loss है that was iron loss proportional to F था या proportional to B था, B max। बी मैक्स होता क्या है फाइव अपॉन ए, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स घटा देंगे तो फ्लक्स घट जाएगा, प्लस एरिया भी बढ़ाया आपने तो भी फ्लक्स घट जाएगा, तो ओवरऑल जो फ्लक्स डेंसिटी है मशीन में वो बहुत घट जाएगी। फ्लक्स डेंसिटी घट जाएगी तो आयरन लॉस भी यहाँ पे घट जाएगा। ठीक, बट फील्ड को घटाने से प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम में आप मेन प्रॉब्लम क्या है, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू आई ए, आपने फ्लक्स को घटा दिया तो टॉर्क कैसे मिलेगा आप, रिक्वायर्ड टॉर्क मेंटेन करने के लिए फिर आर्मेचर में कंडक्टर बढ़ाने पड़ते हैं आपको। ठीक, तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या करना पड़ेगा आपको, टू मेंटेन टॉर्क of machine, number of turns on armature is increased. Armature के number of turns increase करें। ठीक, again, फिर यहाँ से problem शुरू हो जाएगी। आर्मेचर के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से आर्मेचर रिएक्शन बढ़ जाएगा, उस आर्मेचर का फ्लक्स उल्टा बढ़ जाएगा। आर्मेचर रिएक्शन को कवर करने के लिए क्या किया जाता है, तो बताएगा आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए क्या करते थे हम लोग, इंटरपोल्स एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन नंबर ऑफ टर्न्स
ऑफ इंटरपोल्स एंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग्स. Are increased ये इंपॉर्टेंट है. डीसी मशीन में इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग एसेंशियल फीचर नहीं है. हो सकता है अगर आपका डीसी मोटर छोटा हो तो उस पर इंटरपोल या कंपनसेटिंग वाइंडिंग एब्सेंट हो ना हो, लेकिन अगर आप यूनिवर्सल मोटर बना रहे हैं तो इंटरपोल्स और कंपनसेटिंग वाइंडिंग दोनों एसेंशियली मशीन में रहती है. ठीक. और अगर ये मशीन में रहती हैं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट चेंज हो जाएगा. अब ये जो मॉडिफिकेशन आपने जितने किए हैं, चार मॉडिफिकेशन, उस चार मॉडिफिकेशन का होने के बाद ये मशीन जो है एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं. यहाँ पे आपका नोट है कि आफ्टर अबव मॉडिफिकेशंस The machine can run both, can run on both AC and DC supply and is known as universal motor. सर पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी डबल होगा ना, मींस टॉर्क फ्रीक्वेंसी डबल ही रहेगा. टॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमेशा सप्लाई फ्रीक्वेंसी से डबल रहेगी. इक्विवेलेंट सर्किट जो इस मशीन का होता है, आपके पास सप्लाई है पहले सीरीज फील्ड वाइंडिंग, उसके बाद कंपनसेटिंग वाइंडिंग, उसके बाद इंटरपोल्स, उसके बाद मशीन का आर्मेचर, उसके बाद ये आपने सप्लाई दी. दिस इज आपको याद होगा डीसी मशीन में इन दोनों को एसेंशियली इंक्लूड नहीं किया गया था, जबकि यहां पे इनको इंक्लूड करना पड़ता है. ये जो स्पेशल मशीन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, स्पेशल मशीन में केवल थ्योरी ही पूछा जाएगा और मोस्ट कॉमनली इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वो भी एप्लीकेशन से रिलेटेड. किसी एग्जाम में कभी बहुत रेयर किसी एग्जाम में यूनिवर्सल मोटर का वर्किंग पूछा हुआ है आपसे. सिर्फ यही पूछते कि यूज कहाँ होता है. क्लियर. That was all about universal motor. जितना आपको जानना था universal motor क्या होता है, कैसे काम करता है, केवल basics देख लेते इसके हमको और इसका application देख लेते हैं. ये machine कहाँ कहाँ use होती है. It is used in, आप यहाँ पे ये तो एक set book से data है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा machine से. बाकी मैं इसमें से बताऊंगा कि क्या क्या question पूछा जाता है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये आपको याद करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं. इट इज यूज्ड इन पोर्टेबल ड्रिल्स, हेयर ड्रायर्स, ग्राइंडर्स, तो मिक्सर ग्राइंडर यूज होते हैं ना किचन में, फोर्थ टेबल फैंस. आप मार्केट में जाएंगे तो वहां पे डीसी एसी फैन मिलता है यार, दैट वो यूनिवर्सल मोटर ही होता है, हाइब्रिड फैन जो दोनों पे चलता है, ब्लोवर्स, किचन एप्लीकेशन, मोटर से रिलेटेड किचन में जो भी अप्लायंसेस यूज होते हैं, किचन एप्लीकेशन. सेवेंथ इंपॉर्टेंट वन इज ट्रैक्शन, जहां पे एसी डीसी दोनों यूज होता है.
इम्पोर्टेंट क्या है, यूनिवर्सल मोटर से रिलेटेड कभी कोई एप्लीकेशन आता है तो आप ये दो चीजें याद रखिए, किचन एप्लीकेशन एंड ट्रैक्शन। ट्रैक्शन समझते हैं ना आप लोग, लोकोमोटिव। लोकोमोटिव सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले मशीन है। बाकी अगर कभी पूछता है किचन में कि मिक्सर ग्राइंडर में कौन सा मोटर यूज होता है, या किचन से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम लेते हैं और पूछिए उसमें कौन सा मोटर यूज होता है, तो आप आराम से यूनिवर्सल मोटर दिखा सकते हैं। प्रैक्टिकली तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकली हमारे पास आंसर है वो यूनिवर्सल मोटर ही है। तो एक छोटी सी मशीन ये थी, ऐसी ऐसी दो चार मशीनें और हैं, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग कल से अपना लास्ट वाला सिंगल मशीन स्टार्ट करेंगे। ये कुछ कुछ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही है। सेकंड मोटर इज शेडेड पोल मोटर। ये डिजाइन लगभग सिंगल फेज इंडक्शन मशीन जैसा होता है, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस है। बीच में होगा रोटर, कंप्यूटर पे डायग्राम सही नहीं बन पाता। ये है पोल कोर, सर्कुलर नहीं बनेगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में बना रहे हैं, कोशिश कीजिएगा सर्कुलर बने। इसमें जैसे वहां पे पोल कोर होता है ना डीसी मशीन में, वैसा ही पोल यहाँ पे भी रहता है, लेकिन इस पोल का डिजाइन थोड़ा अलग रहता है, ऐसा होता है। बीच में होगा रोटर, रोटर इज स्क्वायरल केज टाइप, जैसा इंडक्शन मशीन में होता है। पहले हम लोग ये पोल वोल यूज नहीं करते थे इंडक्शन मशीन में, इस वाले मशीन में करते हैं। इसके ऊपर होती है वाइंडिंग, फील वाइंडिंग, इधर भी फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, दिस इज फील्ड वाइंडिंग। यहां पे लगा होता है एक शेडिंग रिंग सारे के सारे पोल्स पर, शेडिंग रिंग। आप लोग जरा डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना के एक बार मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं फिर उसका वर्किंग समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है।
बन गया जी सर। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो मशीन है ना, इसकी फील्ड वाइंडिंग जो हमने अभी क्या करके दिखाई है, ये जो ऑरेंज वाली ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, मेन फील्ड वाइंडिंग, और ये जो शेडिंग रिंग है ये एज ऑक्सिलरी वाइंडिंग की तरह काम करती है। ये जो शेडिंग रिंग है ये फ्लक्स को रोटेट कराने का काम करती है। जैसे यहाँ पे होता क्या है, एक सप्लाई आप देंगे मेन फील्ड वाइंडिंग को, दूसरी सप्लाई देंगे आप शेडिंग रिंग को, और दोनों अलग अलग फेज में होंगी। अलग अलग फेज में होंगी तो कभी वो ऐड होंगी और कभी सब्ट्रैक्ट होंगी। यहाँ पे होता क्या है, तो तीन कंडीशन हम लोग अगर ड्रॉ करके देखें तो हमारे पास है ये ऐसा कोर, एक सप्लाई आपके पास मेन फील्ड वाइंडिंग के पास है, दूसरी सप्लाई आपके पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग के पास। आप देखिए कभी कभी ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, कभी कभी ऐड भी होगा। ठीक, जब अगर दोनों से प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करता है तो ये जो अनशेडेड पोर्शन है वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होती है। इधर की तरफ जहाँ पे शेडिंग रिंग लगा हुआ है वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कम होती है। कभी कभी दोनों सेम फेज में भी आते हैं तो फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। ठीक, अगर दोनों में करंट सेम फेज में आ गया तो इधर का फ्लक्स बढ़ जाएगा और अनशेडेड पोर्शन का फ्लक्स घट जाएगा। तो देखने में ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल फ्लक्स है वो अनशेडेड से शेडेड रीजन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, मूव करना मतलब रोटेशन, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, रोटर स्पाइरल केस टाइप है, अपने आप रनिंग स्टार्ट हो जाएगी इस मशीन। सर ये तो बताने वाली बात हो गई, समझ में नहीं आया पर मींस हुआ कैसे ये? देखिए एक्चुअल में इससे अधिक डिटेल आपके सिलेबस में है नहीं, ये आपका एक्स्ट्रा मोटर्स एक्स्ट्रा मशीन सी है तो बहुत डीप में इसके नहीं जा सकता। आप बस इसको इस तरह से ही समझना, एक्चुअल पूरा हाँ कैलकुलेशन नहीं है, केवल वर्किंग प्रिंसिपल आपको जानना है। हाँ वही सर, वर्किंग प्रिंसिपल ही, मतलब कि ये शेडेड से अनशेडेड पे ये जो आपने बताया है ये तो मगब करने जैसे वाली बात हो गई, मतलब समझ के पढ़ने में अलग। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ओमेगा टी, दिस इज मेन फील्ड वाइंडिंग करंट, ठीक, ओमेगा टी शेडिंग रिंग का करंट या ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट बोल सकते हैं। इनिशियली देखिए दोनों करंट अपोजिट फेज में है तो जो उनसे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी अपोजिट फेज में होगा। ठीक, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, रिंग ऐसी बनाई ही जाती है। दोनों फ्लक्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिंग से भी प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स, यहाँ से भी प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स, दोनों अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो गया, तो इधर की तरफ आपको कम फ्लक्स मिलेगा, इधर ज्यादा फ्लक्स मिलेगा। ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो दोनों तरफ आपको फ्लक्स मिलेगा। लास्ट टाइम पे एक तरफ फ्लक्स ज्यादा एक तरफ फ्लक्स, मतलब दोनों का फ्लक्स एकदम ऐड हो रहा है पीक डायरेक्शन में, तो फिर यहाँ पे फ्लक्स बढ़ जाएगा और इधर का फ्लक्स डेंसिटी घट जाएगा। इस अरेंजमेंट में ऐसा लगता है सप्लाई देने के बाद फ्लक्स अनशेडेड से शेडेड रीजन की तरफ मूव कर रहा है, जिसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। ये जो स्पेशल मशीन्स हैं इनका केवल इंट्रोडक्शन जानना है, आपसे ये भी कोई नहीं पूछेगा कि ये वर्किंग कैसे काम करती है। शेडेड पोल मोटर ये
कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हैं, बहुत रेयर केस में होंगे गति यूज होगी। ठीक है सर। ठीक है, तो मेनली हम जितने भी स्पेशल मशीन्स पढ़ रहे हैं ना, उनका एप्लीकेशन ही आपको याद करना है, जो क्वेश्चन वहीं से आएगा। ऐसे अगर इसका ही एक्चुअल ब्रीफिंग या मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दिया जाए, जैसे हमने इंडक्शन मिस्त्री पे जैसे मोटर बोर्ड पढ़ा था ना, उसमें हमने फिर पहले उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा, फिर वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा, फिर उसके बाद उसका वर्किंग देखा, लॉसेज एफिशिएंसी और इक्वलाइजर की डायग्राम। उतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है हमको, बस इसका इंट्रोडक्शन जानना है कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे होता क्या है, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। रोटर कैसा होगा, स्क्विरल केज टाइप, और फील्ड वाइंडिंग को हम लोग एसी सप्लाई देंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, एसी सप्लाई इज ऑल्सो गिवन टू शेडिंग रिंग्स एज शोन इन फिगर। तो यहां पे होगा क्या, फ्लक्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग एंड शेडिंग रिंग, फ्लक्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग एंड शेडिंग रिंग आर नॉट इन सेम फेज। ये दोनों फ्लक्स जो हैं वो सेम फेज में नहीं है, और अगर ये सेम फेज में नहीं है, देयरफॉर समटाइम्स दे आर एडेड एंड समटाइम्स दे आर सब्ट्रैक्टेड। तो कभी ऐड होता है और कभी सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर? अभी कभी ऐड कभी सब्ट्रैक्ट होने से रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट ये मिलेगा कि द फ्लक्स डेंसिटी appears to move from unshaded to shaded region and behaves like RMS, rotating magnetic की तरह नेट मैग्नेटिक फील्ड बिहेव करती है। आरएमएफ मिला, रोटर आपका स्क्विरल केज टाइप, मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, नॉर्मल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से कंपेयर करें, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो अभी तक आपने पढ़ा था, इसमें मेन फील्ड वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। अगर उसका डायरेक्शन रिवर्स करना चाहते हैं, तो या तो सिंगल फेज या मेन फील्ड वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग, किसी का भी पोलैरिटी चेंज कर दीजिए, मशीन अपोजिट डायरेक्शन में रख करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, लेकिन ये एकलौता ऐसा मोटर है, इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि एकमात्र ऐसा मोटर है ये जिसका रोटेशन का डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार ये मशीन बन गई क्लॉकवाइज के लिए, तो जब तक ये मशीन रहेगी तब तक क्लॉकवाइज ही चलेगी। इस मशीन का डायरेक्शन आप रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, important property is its direction can not be reversed. Its direction reverse nahi kar sakta. It only runs from unshaded to shaded region. ये हमेशा अनशेडेड से शेडेड रीजन की तरफ ही रन करेगा। ठीक, और अगर इसको कंपेयर करते हैं हम लोग पिछले वाले मशीन से, तो द टॉर्क
ऑफ दिस मशीन लेस देन दैट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. नॉर्मल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर था उससे इसका टॉर्क कम होता है. ठीक, दिस वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ आपका ये वाला मशीन दैट इज शेडेड पोल मोटर. इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, आज की क्लास लगभग लगभग मेमोरी वाली ही है, सब कुछ याद करना ही पड़ेगा. ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट इसमें बहुत कम है, इसको रटना ही पड़ता है. यूज है शेडेड पोल मोटर का रिलेज में. अच्छा, ऐसी जगह जहां पे डायरेक्शन रिवर्स करने की जरूरत ना पड़ती वहीं पे इसको यूज करें. टेबल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, एयर ड्रायर्स, मोटर्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स. आज के नए जमाने के रेफ्रिजरेटर बन रहे हैं उसमें भी इस तरह के मशीन को यूज किया जाता है. रिकॉर्ड प्लेयर्स, पहले 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 रिकॉर्ड प्लेयर्स आते थे बहुत सारे. टेप रिकॉर्डर्स, कौन सा होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर्स इंपॉर्टेंट. तो प्रोजेक्टर आपने देखा है ना, कभी कभी कॉलेज में देखा होगा जिसपे आप पीपीटी चलाते हैं. जी सर. फोटो कॉपी मशीन्स, इसमें इंपॉर्टेंट है फोटो कॉपी मशीन्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स, एग्जॉस्ट फैंस और हेयर ड्रायर्स. इसको नोट करिए, दो मिनट में मैं कनेक्ट करा. हेलो, नोट हो गया सर? जी सर, थोड़ा सा ऊपर. यहाँ पे जी 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 नोट करके बताइए. Oh yes, sir. Yeah. Next machine is
रिलक्टेंस मोटर, अच्छा रिलक्टेंस मोटर का बेसिक वर्किंग समझाने के लिए मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, उसको देखिएगा आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये मेरे पास स्टेटर है, स्टेटर पे एक पोल है नॉर्थ पोल और इधर में साउथ पोल, इसके बीच में मैंने यहाँ पर वोटिंग करके एक केवल एक आयरन का पीस रखा हुआ है, ये लोहे का टुकड़ा है। अगर इस मैग्नेट को हम इधर की तरफ रोटेट करेंगे तो क्या आयरन भी इधर की तरफ रोटेट करेगा साथ में? Yes. करेगा ना, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करती है, तो कोशिश करेगी कि आयरन का ओरिएंटेशन ऐसा बना रहे। ठीक, तो जब इसको आप रोटेट कराते हैं तो साथ में आयरन भी रोटेट करता है और इस टॉर्क को बोलते हैं आप रिलक्टेंस टॉर्क। ठीक, इसी रिलक्टेंस टॉर्क के प्रिंसिपल पे रिलक्टेंस मोटर काम करता है। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि रिलक्टेंस मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस टॉर्क, रिलक्टेंस टॉर्क के प्रिंसिपल पे ही रिलक्टेंस मोटर काम करता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मशीन का एक्चुअल डिजाइन क्या होगा, हमारे पास होता है सबसे पहले स्टेटर। स्टेटर का डिजाइन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही है, जिसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और मेन फील्ड वाइंडिंग होती है, और कैपेसिटर स्टार्ट मेथड यूज करते हैं मशीन को स्टार्ट करने के लिए या आरएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज स्टेटर और इसको हम देंगे सिंगल फेज सप्लाई। ठीक, बीच में है रोटर। रोटर पहले सिलिंड्रिकल हुआ करता था, अभी रोटर का डिजाइन थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। स्क्वायरल केज ही रहेगा लेकिन रोटर आप पूरी तरह सिलिंड्रिकल नहीं रहेगा, ये रहा रोटर का शाफ्ट और उसके बाद जो रोटर है वो कुछ कुछ ऐसा मिलेगा। बीच बीच में गैप रहता है, उसके बाद फिर से यही आयरन सॉरी कॉपर या एल्यूमिनियम की रॉड्स बार्स जो एंड पे शॉर्ट सर्किट होगी। तो लगभग डिजाइन सेम है, बस ये बीच बीच में खाली गैपिंग छोड़ दी गई है। ये परफेक्टली स्मूथ सिलिंड्रिकल रोटर अब नहीं रहा, इसलिए आप यहां से फ्लक्स जब प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो इससे पास करेगा, पास करेगा तो इसके साथ साथ इसको टॉर्क लगा करके रोटेट कराने की कोशिश करेगा। बेसिक डिजाइन समझ में आ गया? इस मशीन का बेसिक डिजाइन क्लियर है, किसी को डाउट है? सर और एक बार बताइए। सर और एक्सप्लेन कर दीजिए। जी देखिए स्टेटर जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही है, जिसपे आपके पास मेन फील्ड वाइंडिंग होगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी। ठीक, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड का यूज करेंगे आप यहाँ पे। ठीक, मेन फील्ड वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कैपेसिटर स्टार्ट मेथड यूज करके आरएमएफ डेवलप करेंगे तो आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये जो आप इस मैग्नेट को मूव करा रहे थे, अभी यहाँ आरएमएफ अपने आप, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप रोटेट होगी। अब साथ में आपको कुछ इस तरह का अरेंजमेंट चाहिए, अगर ये सर्कुलर होता आयरन तो ये रन नहीं करता, ये सिलिंड्रिकल रेक्टेंगुलर था इसलिए रन किया साथ में ओरिएंटेशन, ताकि लो रिलक्टेंस पाथ मिलता रहे। उसी फीचर को जनरेट करने के लिए हम लोग मशीन में बीच बीच में गैप छोड़ देते हैं रोटर में। अगर ये नॉर्मल इंडक्शन मशीन होता तो ये प्योर सिलेंडर होता
उसमें रॉड्स होते हैं, रॉड्स शॉर्ट सर्किट होते हैं, ये बीच बीच में सिलेंडर में गैप छोड़े गए हैं खाली जगह। इससे होता क्या है कि बीच बीच में यहाँ से ऐसा लो रिलक्टेंस पाथ मिल जाता है आपको, जस्ट लाइक सिंक्रोनस मशीन मैग्नेटिक लॉकिंग हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मैग्नेटिक लॉकिंग हो रहा है, लेकिन सिंक्रोनस मशीन में दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग होता है। वहां पे रोटर पे भी मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, या स्टेटर पे मैग्नेटिक बोलता है। यहाँ पे रोटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वहां पे केवल इंडक्शन, रोटर को कोई सप्लाई नहीं दी गई है। सिंक्रोनस मशीन में रोटर को भी सप्लाई दी जाती है। हाँ लॉकिंग वाला फीचर है ये, मैग्नेटिक लॉकिंग वाला। डिजाइन क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। क्लियर है ना मतलब? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेटर इज सेम एज दैट ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर with main field winding and auxiliary winding, दोनों रहेंगी वहां। Next, main field winding, auxiliary winding दोनों रहेगा। Next, capacitor start method is used, capacitor start method का use करते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पे भी देखिए लगभग लगभग design तो induction machine जैसा ही है। जब आप capacitor start method का use करेंगे तो this machine start exactly same as that of single phase induction motor। ये मशीन इंडक्शन मोटर की तरह ही स्टार्ट होता है, लेकिन जब इस मशीन का स्पीड लगभग 70-80% ऑफ एनएस पहुंच जाता है, when speed of machine reaches to 70-80% of NS, then reluctance torque is developed and machine accelerates further till its speed becomes equal to NS। मशीन फिर फर्दर एक्सलेट करेगा और ये एग्जैक्टली NS स्पीड से चलेगा मैग्नेटिक लॉकिंग की वजह से। देखिए एक खास बात है इस मशीन में, है ये इंडक्शन मोटर ही, रोटर पे जो टॉर्क डेवलप हुआ था वो इंडक्शन टॉर्क ही था स्टार्टिंग मेथड में, लेकिन ये मशीन अपने आप एनएस स्पीड तक चल जाती है। ये दो मशीनों में से एक है जो इंडक्शन मशीन होने के बाद भी एनएस स्पीड से चलती है, एक है रिलक्टेंस मोटर और दूसरा है हिस्टेरेसिस मोटर। ये दोनों मशीनें इंडक्शन मशीन है लेकिन एनएस स्पीड से चलती है। थोड़ा सा इसमें और समझने की जरूरत है कि रिलक्टेंस टॉर्क पहले क्यों डेवलप नहीं हुआ, 70-80% ऑफ एनएस स्पीड तक पहुंचने पर ही क्यों डेवलप हुआ। डायग्राम में ऊपर आते थोड़ा अगर आप लोग इंटरेक्शन करें तो मैं इसको समझाना आसान हो जाएगा, ज्यादा नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देने का कोशिश करिए। यहाँ पे हमारे पास था ना
एक आयरन पीस रेक्टेंगुलर या सिलिंड्रिकल हो सकता है। मैंने जब आपसे पूछा कि अगर मैं इस मैग्नेट को रोटेट कराऊंगा तो क्या पीछे पीछे ये आयरन रोटेट होगा, तो आपने कहा हाँ, बोला था ना? यस सर। अब ये रोटेशन आप अपने हाथ से तो करा नहीं रहे, यहाँ से सप्लाई करंट जो आपने आरएमएफ जो मेथड यूज किया उससे डेवलप हो रहा है। इंडक्शन मशीन में आरएमएफ का स्पीड हमने देखा था कितना होता है, 3000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, इस रेंज का रोटेशन का स्पीड होता है ना। 1500 आरपीएम मतलब 1500 रोटेशन एक मिनट, एक सेकंड में कितना रोटेशन हुआ, 60। ठीक, मतलब 25 रोटेशन एक सेकंड। अब आप इस मशीन के एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन पर वापस आइए, रोटेशन का स्पीड क्या, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे फ्लक्स रोटेट करेगा कितना, 25 रोटेशंस पर सेकंड। तो क्या इसको पीछे पीछे रोटेट करने का टाइम मिलेगा? अभी इस फ्लक्स यहाँ पे है, एक सेकंड के 25वें हिस्से में फ्लक्स यहाँ पहुंच गया वापस, जिससे पहले कि ये रोटेशन अपना स्टार्ट करता है ड्यू टू इनर्शिया, सडनली ये मोशन में नहीं आ सकता। कोई भी रोटर सडनली इनर्शिया, उसको कुछ तो इनर्शिया होता ही ना, उसको रोटेशन स्टार्ट करने में टाइम लगता है। जैसे ही आपने यहाँ पे फ्लक्स आगे बढ़ा और ये आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, तब तक फ्लक्स वापस यहाँ पहुंच गया, अभी वापस जाएगा। तो अगर मशीन का रिलेटिव स्पीड फ्लक्स का और रोटर का बहुत ज्यादा है तो ड्यू टू इनर्शिया भी मशीन रन नहीं करती है कभी कभी, प्रॉब्लम समझ रहे हैं? अच्छा, वही yes. अगर आप इस पोल को या इस मैग्नेट को धीरे धीरे रोटेट कराते तो ये भी साथ साथ में रोटेट करने लगता। ठीक, यही हुआ है यहाँ पे। जैसे स्टार्टिंग कंडीशन में तो इंडक्शन टॉर्क की वजह से मशीन रन की है, लेकिन जब मशीन रनिंग कंडीशन में आ गया तो अब रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर और ये फ्लक्स बहुत कम हो गया। अब स्लो स्पीड, रिलेटिव स्पीड कम हो गई, अब रिलक्टेंस टॉर्क पिक्चर में आ सकता है। रिलक्टेंस टॉर्क पिक्चर में आता है और मशीन फिर फर्दर एक्सलेट होती है और ये लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद ये रोटर एनएस स्पीड से ही रन करेगा। ठीक है। अच्छा, मशीन अगर एनएस स्पीड पे चलेगी तो रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? जीरो होगा। जीरो इंड्यूस्ड एसएफ होता है ना, एसएफ और एसई2। अगर मशीन का रिलेटिव स्पीड, मशीन अगर एनएस स्पीड से चलती है तो मशीन का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है। तो कोई इंडक्शन नहीं होता या कोई इंडक्शन टॉर्क प्रेजेंट नहीं होता है इस मशीन के रनिंग कंडीशन में। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखे, एक प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज वन ऑफ द फ्यू इंडक्शन मशीन्स विच कैन रन एट एनएस स्पीड। कुछ एक मशीनों में से है, इंडक्शन मशीनों में से, जो एनएस स्पीड से रन कर सकते। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन इट रन एट एनएस स्पीड इंडक्शन टॉर्क इज जीरो एंड only reluctance torque is present, induction torque zero हो जाता है और केवल reluctance torque ही present रहता है वहां। ठीक, next की property ये है कि up to 200% of रेटेड लोड, ये डेटा है, आपको याद ही करने पड़ेंगे, फिजिकली एक्सप्लेन नहीं किया सकता,
एग्जाम में आता है, हम लोग इसको याद करवा देते. इट कैन रन विथ एन एस स्पीड लगभग 200% ऑफ रेटेड लोड. ये एन एस स्पीड से ही चलता है. अगर फिर फर्दर अगर हम इसको लोड को बढ़ाते हैं तो मशीन स्लो डाउन होगी. अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 200% to 500% of rated load, it can run as induction motor. That means less than NS speed से चलता है. अगर बहुत ज़्यादा load बढ़ा देंगे तो reluctance motor भी normally induction motor की तरह ही behave कर देता है. सर जी, सर ये कोई कोई बुक में सर इसको ये टाइप ऑफ मोटर को सर सिंगल फेस सिंक्रोनस मोटर बोल के भी लिखा हुआ है सर. सिंक्रोनस मोटर नहीं है सर, कोई कोई बुक में ऐसा लिखा हुआ है लेकिन नहीं लिखना चाहिए. सिंक्रोनस मोशन मशीन का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये रोटर एक मिनट मेरी बात में चल रहा था. हां सर, सिंक्रोनस मशीन का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि सिंक्रोनस मशीन्स आर डबली एक्साइटेड मशीन्स, और ये सिंगल एक्साइटेशन है. एक ही वाइंडिंग को सप्लाई दी गई है स्टेटर पे, आर्मेचर को सप्लाई नहीं दिया गया, रोटर को सप्लाई नहीं. और दूसरा, ये मशीन इंडक्शन मशीन की तरह ही स्टार्ट होती है. लगभग सारा वर्किंग कंडीशन इसका इंडक्शन मशीन जैसा ही है, बस रनिंग कंडीशन में इंडक्शन टॉर्क जीरो हो जाता है और रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप होता है. तो आप इसको रिलक्टेंस मोटर ही कह सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर नहीं कह सकते इसको, या सिंक्रोनस मशीन नहीं कह सकते इसको. इट इज एन इंडक्शन मोटर विच कैन रन विथ सिंक्रोनस मशीन सिंक्रोनस स्पीड. मशीन का कुछ कुछ लिटरेचर होता है ना, लिटरेचर में ही है ये. अब इस मशीन का एप्लीकेशन क्या है, इसकी खास बात क्या है कि इसका स्पीड कांस्टेंट है ना. तो इसको वहां पे यूज करेंगे जहां पे कांस्टेंट स्पीड की जरूरत पड़ती है. छोटे मोटर्स जो कांस्टेंट स्पीड से रन करते हैं एकदम एग्जैक्टली कांस्टेंट स्पीड, जैसे इलेक्ट्रिक क्लॉक में अगर सपोज करिए आप मोटर यूज करते हैं तो उसका स्पीड वेरी कर सकते हैं क्या? स्पीड वेरी करेगा तो कभी 3 बजेगा 3 बजे 4 बजेगा 4 बजे 5 बज जाएगा, ऐसा हो जाएगा. इलेक्ट्रिक क्लॉक, क्लॉक का स्पीड हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए इस तरह की मशीनों का यूज किया जा सकता है. सिग्नलिंग डिवाइसेस ट्रैकिंग में या मिलिट्री इक्विपमेंट्स में सिग्नल भेजने के लिए बहुत सारे मशीन यूज होते हैं, उसमें ये मोटर लगता है. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट यहीं पे लिख देते हैं. फोटोग्राफिक कैमरास, बड़े कैमरा आते हैं जो आज जैसे मूवीज वूवीज में यूज होते हैं, बड़े बड़े कैमरे, उनमें इस तरह के मोटर्स का एप्लीकेशन होता है. क्लियर? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है जो इस मशीन के साथ जुड़ा हुआ वर्ड है वो इलेक्ट्रिक क्लॉक. बाकी सब में और मशीनें भी यूज होती है, एक्सेसरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक मोटर यूज करेंगे, लेकिन क्लॉक में ज्यादातर आपका इलेक्ट्रिक मोटर ही यूज होता है. क्लियर है? आगे चले, आज का हमारा लास्ट मशीन.
लास्ट वन इज कितने हो गए, चार या पांच हो गए ना, कितने हुआ, तीन, फोर्थ वन हिस्टेरेसिस मोटर, देखिए इसको अगेन फिर हम लोग शॉर्ट में करेंगे, इसको बहुत ज्यादा समझना पॉसिबल नहीं, बस इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जान लीजिए। पहली प्रॉपर्टी कि स्टेटर स्टेटर इज सेम एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्टेटर कैसा है, एकदम सिंगल फेज जैसा पहला इंडक्शन मोटर था वैसा ही। मेन फील्ड वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग भी रहेंगी एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर यूज्ड। स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर स्टार्ट मेथड इज यूज्ड। ठीक, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है रोटर पे, रोटर इसका थोड़ा सा अजीब होता है। हमारे पास अंदर में शाफ्ट होती है, सबसे अंदर सिलेंड्रिकल, जिसके ऊपर रोटर बनाया जाता है। उसके बाद का जो डिजाइन है दो लेयर में होता है, पहला जो है लेयर वो थिक लेयर होगा, ठीक, उसके बाद फिर एक लेयर होगा जो उसके कंपैरिजन में थोड़ा थिन लेयर होता है। इस मशीन के रोटर पे ना तो कोई स्लॉट होता है, ना कोई वाइंडिंग होती है, कुछ नहीं होता है, इट इज प्योर सिलिंड्रिकल मशीन, स्मूथ सिलेंडर, जैसे कोई रॉड उठा के लेके आए आप, ठीक। यह वाला अंदर वाला हमारे पास करके क्या, शाफ्ट, शाफ्ट केवल स्टील से बनता है और किसी चीज से नहीं बनता है, ठीक। अंदर का जो मटेरियल है वो अलग तरह का होगा, स्फीयर में बाहर का मटेरियल अलग होता है, ठीक। अंदर में होता है आपका ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, बाहर में होता है हाई हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट मटेरियल। हाई हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट मटेरियल जनरली हम लोग यूज करते हैं क्रोम स्टील। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हिस्टेरेसिस मोटर है उनका रोटर का सरफेस किससे बनता है, क्रोम स्टील से बनता है, ठीक। अच्छा, अब इसका बेसिक वर्किंग समझाने से पहले हम लोग पहले थोड़ा हिस्टेरेसिस को आप रिवाइज कर लीजिए। हिस्टेरेसिस कर्व कैसा मिला था आपको, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता है ना, ये करंट फ्लो किया, मैग्नेटाइज हुआ मटेरियल, आप रिमूव करेंगे तो कुछ ना कुछ रिटेन रह जाएगा, इस रिटेंटिविटी की वजह से ही हिस्टेरेसिस मिलता है आपको। अगर मटेरियल फ्लक्स को रिटेन नहीं करेगा तो रिटेंटिविटी नहीं मिलेगी। अब इसका वर्किंग का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जैसे अगर आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसी आरएमएफ प्रोड्यूस हुआ फाइव और रोटेट हुआ, तो ये वाला एरिया मैग्नेटाइज होगा इस फ्लक्स से, और जब ये फ्लक्स आगे बढ़ेगा
आगे बढ़ेगा तो इसको भी अपने साथ में लेके जाने की कोशिश करेगा। तो एक टॉर्क डेवलप होता है, मशीन स्लोली उस टॉर्क से स्टार्ट होती है, स्टार्ट होते होते ये हमेशा फिर वही मैग्नेटिक लॉकिंग होता है और ये मशीन भी एकदम एग्जैक्टली एनएस स्पीड से चलती है। ये इस मशीन का वर्किंग कंसेप्ट है। ठीक, तो डिजाइन में क्या था, स्टेटस लगभग लगभग सेम है, रोटर कैसा है, देयर इज नो स्लॉट और वाइंडिंग ऑन रोटर। अगर ऐसा नहीं है तो रोटर इज अ स्मूथ सिलेंडर, एक सिलेंडर जिसका सरफेस स्मूथ है। ठीक, इनर पार्ट अभी तक टाइम भी करना होगा, इनर पार्ट इज नॉन मैग्नेटिक, अंदर वाला पार्ट नॉन मैग्नेटिक है, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड रिटेन नहीं करेगा। आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ हाई हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट मटेरियल। अगर हाई हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट है तो ये तुरंत फ्लक्स को रिटेन करेगा, इस क्रोम स्टील से बनाते हैं इसको। ठीक, अब इसमें होता क्या है, इस मशीन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि व्हेन आरएमएफ रोटेट्स देन द रिटेन्ड फ्लक्स ऑन आउटर सरफेस इंटरैक्ट्स विथ आरएमएफ एंड डेवलप्स टॉर्क। टॉर्क को डेवलप करेगा। ठीक, अब खास बात क्या है कि यहाँ पे भी मैग्नेटिक लॉकिंग होती है और ये मशीन जो है इट रन्स विथ एनएस स्पीड ड्यू टू मैग्नेटिक लॉक। ठीक, इससे ज्यादा इसका फंक्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप में मटेरियल में जाना पड़ जाएगा। ठीक, केवल इंट्रोडक्शन देखा था स्टेशन का। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात यही है कि इसका सरफेस स्मूथ है। अब एकदम प्लेन सरफेस है और ये मशीन अगर कांस्टेंट स्पीड से रन करेगी तो इस मोटर में कोई भी नॉइज नहीं होता है, इसका सरफेस एयर को कट ही नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत स्लॉट स्लॉट ऐसा होने से ना तो एयर पे कट करता है, उससे नॉइज प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे सरफेस बिल्कुल स्मूथ होने से बिल्कुल भी नॉइज नहीं प्रोड्यूस होता। अगर आपके बगल में स्टेटस मोटर चल भी रहा हो तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि कोई मोटर हमारे बगल में चल रहा है। स्टेटस मोटर की बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि इसमें नॉइज नहीं होता है, और दूसरा प्रॉपर्टी है कि यह एनएस स्पीड से चलता है। कंडीशन क्लियर हुआ इसका? लास्ट प्रॉपर्टी, सिंस द सरफेस ऑफ रोटर इज परफेक्टली स्मूथ, देयरफॉर देयर इज नो नॉइज इन रनिंग कंडीशन। रनिंग कंडीशन में कोई भी नॉइज नहीं होगा। ठीक, तो इसको यूज कहां करेंगे आप? कहां पे यूज करेंगे?
ऐसी जगह पे जहां पे नॉइज अलाउड नहीं है, जैसे इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू म्यूजिक, रिकॉर्ड प्लेयर्स, टेप रिकॉर्डर्स और इसका क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है तो इसको आप इलेक्ट्रिक क्लॉक में भी यूज कर सकते हैं, बट अगेन रिलक्टेंस मोटर के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि टेप रिकॉर्डर में या म्यूजिक प्लेयर में या किसी भी म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में कौन सा मोटर यूज होता है, तो उन सभी जगह पे हिस्टेरेसिस मोटर यूज होता है। इसीलिए म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, लगते हैं उसमें छोटे छोटे मोटर ही हैं, लेकिन मोटर का डिजाइन ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। मतलब नहीं है, ठीक है, तो आज की क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन के बाद दो स्पेशल मोटर और हैं, क्योंकि वो इस जैसे नहीं है, इन मशीन जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूज होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल, सर्वो मोटर्स एंड आपका स्टेपर मोटर्स। उसके बाद आपका मशीन खत्म हो जाएगा। आज ट्यूजडे है, ऑलमोस्ट इस वीक में आपका मशीन ओवर हो जाएगा। ठीक, मंडे से हम लोग नया इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करें। Thank you.